उपचुनाव पर मंथन, राठौड़ पर टेंशन की। बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी में मची कलह पर कांग्रेस तंज कस रही है, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इज वेल का भरोसा दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राधा मोहन दास अग्रवाल की टिप्पणी से बवाल, राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों में उबाल, प्रदेश के कप्तान ने किया ऐलान, रखिए इत्मीनान, सबका है सम्मान, ऑल इज वेल। हमारे सामने बैठे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व तो है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। प्रदेश बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा, ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही। बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में कई सीनियर नेता, मंत्री और विधायक गायब रहे, तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्लास ले ली। अग्रवाल ने सबसे ज्यादा क्लास वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की लगाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी, और कहाँ चले गए राजेंद्र राठौर जी। देखिए, मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व तो है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। दरअसल जयपुर में मंगलवार को बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र राठौड़ बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिस पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व तो है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। चूंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए शुक्रवार को टोंक में राठौड़ समर्थकों ने राधा मोहन दास को घेर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। राठौड़ समर्थकों ने सोशल मीडिया एक्स पर भी ट्रेंड चलाया। इसी बीच राजेंद्र राठौड़ ने एक्स पर समर्थकों से अपील की कि वो ऐसे सोशल मीडिया पर टिप्पणियां ना करें। भाजपा उनका परिवार है, लेकिन राधा मोहन दास की लगाई गई क्लास से कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। राधा मोहन दास के बयान के बहाने गुरुवार को डोटासरा ने बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क बताया। तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है। बीजेपी पर प्रहार करने के साथ ही डोटासरा ने राधा मोहन दास के बहाने दिग्गजों को राठौड़ की अहमियत भी याद दिला दी। कोई छोटा नेता है कि सात बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी। शनिवार को झुंझुनू में करणी सेना ने प्रदेश प्रभारी का विरोध किया। क्या राजेंद्र सिंह जी राठौड़ संगठन में कोई पदाधिकारी है? क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है? एक जाति विशेष को टारगेट करके जिन्होंने पूरे 36 कौम को लेकर साथ में काम किया इस राजस्थान में। स्थिति संभालने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आगे आना पड़ा। मदन राठौड़ ने राजेंद्र राठौड़ को पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया। राठौड़ हमारे आदरणीय नेता, हमारे भाई है, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य है, उनका अपमान हम खुद भी नहीं सहन करते हैं, ठीक है ना। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है और राजेंद्र जी ने खुद ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा है तो हम है, इसलिए आप एक मेरी रोजाना बात होती रहती है और हम तो आपस में इतने भाई की तरह, मैं छोटा हूँ उनसे तो मेरे बड़े भाई हैं। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार के बाद से ही प्रदेश बीजेपी में एकजुटता को लेकर बीजेपी आलाकमान को जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में नए प्रभारी और नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कोशिश की जा रही है कि सभी नेता एकजुट रहकर उनकी अगुवाई में काम करें। देखना है कि आलाकमान अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि पार्टी के सामने नई चुनौती 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू में संगठनात्मक बैठक की, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक को प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि जब चुनाव होंगे हम संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल हमारा फोकस पार्टी के लिए अधिक से अधिक सदस्य बनाना है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है हम अपने संगठन को इतना मजबूत कर दें कि जब भी कभी चुनाव हो और जो कोई भी प्रत्याशी हो वो संगठन की ताकत पर जीत करके आए। संगठन को मजबूत करने के लिए हमने माननीय अविनाश जी को प्रभारी मंत्री के रूप में स्थापित किया है और इनको स्पष्ट निर्देश है, सिर्फ और सिर्फ संगठन का काम ये करेंगे। हम लोग बूथ स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करने जा रहे हैं, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता करने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बने कि चुनाव आने पर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा होने को तैयार तक न हो, ये स्थिति हम पैदा कर देंगे। इस दृष्टि से आप मान सकते हैं कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस जगह होता है टिकट मांगने का सबको हक है, तो पार्टी जब निर्णय कर लेती है तो उसको मानना हमारे अनुशासन का हिस्सा है। देखिए वैसे तो चुनाव अभी है नहीं, हमारे प्रभारी जी ने बहुत साफ कर दिया आपके सामने, लेकिन हम संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन के साथ चर्चा करना, संगठन के और आम कार्यकर्ता के साथ बैठना, ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है, हमारा ये चलता रहता है कार्यक्रम। आपको लगता है कि चूंकि इन क्षेत्रों में चुनाव है इसलिए चुनाव के हिसाब से हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम कर रहे हैं। हमारे देखिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इटावा क्षेत्र के दौरे पर हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं और ऐसे में कोटा से लेकर इटावा तक 80 किलोमीटर के सफर में जगह जगह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत हुआ। सैकड़ों की तादाद में स्वागत द्वार बनाए गए, तो वहीं दिगोद से लेकर सुल्तानपुर और इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का रोड शो भी देखने को मिला। इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये जनता का विश्वास और भरोसा है, लोगों का प्यार है और इसके साथ जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटावा क्षेत्र के दौरे पर हैं और भव्य स्वागत 80 किलोमीटर के इस दायरे में इस सफर में हो रहा है। देख सकते हैं आप ये नज़ारा भव्य स्वागत का, जो अपने आप में बहुत खास है, बहुत दिलचस्प है। और 80 किलोमीटर के सफर में जगह जगह स्वागत द्वार के साथ में ये जो भीड़ है, ये जो जनसमूह है, वो स्वागत करती हुई नजर आ रही है। बिरला साहब बहुत खास तस्वीर है, ये लोगों का प्यार, ये लोगों का स्नेह निश्चित तौर पर आपके प्रति देखने को मिलता है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला है। हमेशा विधायक बना, सांसद बना और यहाँ की जनता मेरे परिवार की तरह है और परिवार में अपने को मिलती है तो निश्चित खुशी होती है। परिवार की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, हम उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी करेंगे और निश्चित रूप से एक परिवार के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनके सुख दुख मैं हमेशा भागीदार रहूं, उनके साथ खड़ा रहूं। 80 किलोमीटर के सफर में जैसे मान लीजिए कोई दिवाली हो, कोई त्योहार हो, कोई दिवाली हो, कोई त्योहार हो, ये जनता का प्यार है। हम यहाँ पर ही हमने सारे छात्र सामाजिक राजनीतिक सब अपने परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोगों को मिलते हैं तो खुशी होती है, उत्साह है। और निश्चित रूप से मोदी जी के अंदर जो प्रधानमंत्री बनाकर जनता ने एक जनादेश दिया है, अब मोदी जी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार इनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी करने की लगातार प्रयास कर। जब लोग इतनी तादाद में उभरते हैं तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी
अपने कंधों पर उतनी ज़्यादा और भी बढ़ जाती है साहब। निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाना हमारा काम है, हर चुनौतियों से लड़ना हमारा काम है और लोगों की अपेक्षा